2024 के रिजल्ट की डिटेल एनालिसिस के बाद मेडिका विंग ने पिछली वीडियो में यह बताया था कि किस सेंटर से हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट 700, 650 या फिर 600 के ऊपर है। 9 सेंटर ऐसे थे जिन सेंटर से 12 स्टूडेंट्स या फिर 7 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट, 9 स्टूडेंट्स 700 के ऊपर स्कोर वाले थे। वो सेंटर्स के जो नाम थे वो मेडिका विंग ने अपने पिछले वीडियो में बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि स्टेट वाइज किस स्टेट से कितने स्टूडेंट 700 के ऊपर, 650 के ऊपर, 600 के ऊपर, 500 और 550 के ऊपर ये स्टूडेंट्स हैं। मेरिट लिस्ट कैसी होगी सभी स्टेट्स की, इसका आइडिया आपको लग जाएगा। प्लस कट ऑफ क्या रहने वाला है उसका भी एक छोटा मोटा आपको एनालिसिस जरूर पता चल जाएगा। डिटेल्ड में स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट मेडिका विंग जारी करेगा। आप सब लोग चैनल अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट आपको मेडिका विंग के चैनल से वीडियोस के थ्रू और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये पीडीएफ मेडिका विंग ने डिटेल डेटा एनालिसिस के बाद तैयार की है। इस पीडीएफ को मेडिका विंग का जो व्हाट्सएप चैनल है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल बात करते हैं कि स्टेट वाइज कितने कैंडिडेट्स 700, 650 या फिर 550 या 500 के ऊपर है, आपकी एक एनालिसिस के लिए, ताकि आपको पता चले कि आपके ऊपर आपके स्टेट में कितने कैंडिडेट्स हो सकते हैं, आपकी मेरिट लिस्ट में पोजिशन क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और यहाँ पर जो कंप्लीट डिटेल है स्टेट वाइज ये हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, राइट। और ये मेडिका विंग की टीम ने, अगर हम सबसे कम की बात करें, राइट, तो नागालैंड स्टेट जो है यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स कितने जिन्होंने की एग्जामिनेशन दिया है उस पर्टिकुलर स्टेट से, टोटल अगर नीट कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो 23,33,162। और ये फिगर जब आप नीट का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का जो रिलीज किया गया था प्रेस रिलीज में आप टोटल स्टेट वाइज कैंडिडेट देख सकते हैं, और वो स्टेट वाइज सारे कैंडिडेट्स वही है, क्योंकि जो एक्सेल मेडिका विंग ने प्रिपेयर करी है उसमें कंप्लीट डिटेल है कि कितने स्टूडेंट्स कितने मार्क्स के ऊपर है, और मेरिट लिस्ट भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं स्टेट वाइज, और स्टेट वाइज में सबसे अगर हम पहले बात करें, राइट, तो हम अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें, राइट, यहाँ पर मैं आपको परसेंटेज भी शो कर दूंगा कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो कितने परसेंटेज से क्वालिफाई किए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंशन है 700 के ऊपर 17 कैंडिडेट, 650 के ऊपर 129 और 600 के ऊपर 301, 550 के ऊपर 462 और 500 के ऊपर 337 कैंडिडेट। सबसे हाईएस्ट अगर टॉपर्स या फिर स्कोरर्स की बात करेंगे रेशियो के हिसाब से कि पार्टिसिपेट किया था एग्जामिनेशन में, तो वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर अगर आप 700 के ऊपर का स्कोर देखेंगे, राइट, तो 700 के ऊपर में कैंडिडेट जितने एग्जाम दिए थे उनमें से 0.48% स्टूडेंट ने 700 के ऊपर स्कोर किया, और 3.65% स्टूडेंट्स ने 650 के ऊपर स्कोर किया जितने कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे थे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। उसी हिसाब से अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पर 700 के ऊपर 482 और 650 के ऊपर 6,697, 600 के ऊपर 15,000 कैंडिडेट्स, राइट। और यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट स्टेट है जहां पर कि जो कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं उन सभी में अगर ये बात करें कि कितने परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट जो 650-650 के ऊपर मार्क्स लेकर आए हैं या 700 के ऊपर, तो वो सेकेंड हाईएस्ट स्टेट है राजस्थान, जहां पर कि 650 के ऊपर 3.46% कैंडिडेट्स हैं और 0.24% कैंडिडेट 700 के ऊपर है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो फिर ये सेकेंड नंबर पर है, राइट, और परसेंटेज के हिसाब से अगर 650 के ऊपर देखेंगे 3.46। उसके बाद आप हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट में 54,864 कैंडिडेट, 146 कैंडिडेट 700 के ऊपर, 550 के ऊपर 1519, राइट। और यहाँ पर जो परसेंटेज है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है 2.76% ऑफ द कैंडिडेट जो हरियाणा में 650 के ऊपर स्कोर किए हैं, राइट। और उसके बाद केरला का नंबर आता है नंबर 4 पर। दिल्ली की अगर हम बात करें
दिल्ली में 66,090 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया एग्जामिनेशन में, और उसके बाद 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 700 के ऊपर स्कोर लेकर आए, और साथ ही साथ 1326 कैंडिडेट 650 के ऊपर है, 600 के ऊपर 3309, और 550 के ऊपर 5471, 500 के ऊपर 7855 कैंडिडेट, परसेंटेज यहां पर मेंशन। आप अपने एनालिसिस के लिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब का नंबर आता है इस हिसाब से छठे नंबर पर, और पंजाब में टोटल 81 कैंडिडेट 700 के ऊपर, 650 के ऊपर 494 कैंडिडेट्स, एवं 600 2492, और 500 के ऊपर अगर देखेंगे तो यहां पर 5704। गुजरात जो एक स्टेट है जहां पर कि नंबर ऑफ जो टॉपर्स हैं, अगर दो सेंटर्स ऐसे हैं गुजरात में, राइट, अहमदाबाद और उसके बाद राजकोट का, जहां पर कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट टॉपर्स में 12 कैंडिडेट्स उन दो सेंटर से 700 के ऊपर मार्क्स लेकर आए हैं, तो गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात में यहां पर 145 टोटल पूरे गुजरात से 145 700 के ऊपर, और 650 के ऊपर 1151 कैंडिडेट, 600 के ऊपर यहां पर 3347 कैंडिडेट हैं जो कि गुजरात स्टेट से। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो 93 कैंडिडेट 700 के ऊपर टोटल यहां पर कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे 1,17,323, 1422 कैंडिडेट 650 के ऊपर है, और 4,401 कैंडिडेट 600 के ऊपर है, 550 के ऊपर की बात करें तो 7,926 कैंडिडेट है। नो डाउट कंपटीशन इस बार बहुत ज्यादा होगा। आगे के स्टेट्स की हम बात करें और आपका जो स्कोर है उस स्कोर पर आपको कॉलेज कौन सा मिल सकता है आपके रैंक पर, क्योंकि अलॉटमेंट हमेशा जो है वो रैंक पर होता है, राइट। और अलॉटमेंट जो होगा, जो ट्रेंड था पिछले दो सालों का, उस ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। कट ऑफ जो डाउन होगी वो रैंक के हिसाब से डाउन होगी, मार्क्स के बेसिस पर तो कट ऑफ ऊपर रहेगी। तो जो ट्रेंड था किसी भी कॉलेज में अलॉटमेंट का कैटेगरी रैंक के ऊपर, उसी रैंक पर, उसी ऑल इंडिया रैंक पर अलॉटमेंट होगा। आपको विजिट करना है medcawing.com, medcawing.com के ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप यहां पर विजिट करेंगे तो यहां पर आपको नीट कॉलेज प्रेडिक्टर 2024 के नाम से टैब मिलता है, राइट। यहां पर आप ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड कॉलेजेस, एम्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का प्रेडिक्टर, प्लस स्टेट कोटा का प्रेडिक्टर, और ये जो कट ऑफ व्यूअर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तीन सर्च के लिए। इन कॉलेज का कट ऑफ, मार्क्स और रैंक पिछले दो सालों का किसी भी कोर्स का, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएससी नर्सिंग और वेटनरी साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं उनका आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, स्टेट कोटा के थ्रू क्या कट ऑफ था, ये तीन कॉलेज का आप सर्च फ्री में कर सकते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन का चार्जेस नहीं है, लेकिन तीन के बाद अगर आप सर्च करते हैं तो बहुत ही नॉमिनल सा आपको सर्विस चार्ज वो पे करना पड़ता है। ये जो प्रेडिक्टर है स्टेट कोटा कॉलेज प्रेडिक्टर, प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको यूज करना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस और डीम्ड के लिए आपको ये प्रेडिक्टर यूज करना है। बहुत ही नॉमिनल सब्सक्रिप्शन है, आज ही ज्वाइन कर लीजिए। जो medcawing की ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर आप विजिट कीजिए। फिलहाल अगर हम बात करें कि जो बाकी के टॉपर्स की लिस्ट की हम बात कर रहे थे, राइट, और लौट कर हम लोग स्लाइड्स पर आते हैं। वेस्ट बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश 87 टॉप जो है वो 700 के ऊपर, और यहाँ पर 750, राइट, यानी 758 कैंडिडेट जो है वो 650 के ऊपर है। उत्तराखंड में 13 कैंडिडेट 700 के ऊपर, 229 650 के ऊपर, और 710 जो है वो 600 के ऊपर। 550 में अगर हम बात करें उत्तराखंड में 1169 और 1740 कैंडिडेट जो है वो 500 मार्क्स के ऊपर है। तमिलनाडु में 129 कैंडिडेट 700 के ऊपर, और 1582 कैंडिडेट 650 के ऊपर, और 4879 कैंडिडेट 600 मार्क्स के ऊपर। झारखंड, जो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, कल जो वीडियो रिलीज की गई थी medcawing की ओर से, तो वहां पर बहुत सारे कमेंट्स आए, आप प्लीज बता दीजिए, तो उसी सीक्वेंस में हम लोग ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में 184 कैंडिडेट 700 के ऊपर मार्क्स, 3387 कैंडिडेट जो है वो 650 के ऊपर, 9315 कैंडिडेट वो 600 के ऊपर, 550 के ऊपर 16044 और 500 के ऊपर 23458 कैंडिडेट्स हैं। और बिहार की बात करें कि सबसे ज्यादा चर्चा में बिहार जो स्टेट है और झारखंड रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो टॉपर स्टेट्स हैं वो कुछ और हैं, जहां पर की सबसे ज्यादा रेशियो में क्वालिफाई किए हैं कैंडिडेट्स के अपेक्षा। जब आप कैंडिडेट जितने एग्जाम दे रहे हैं उनके हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये पता चलता है कि जो स्टेट्स दूसरे स्टेट्स हैं वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा क्वालिफाई किए हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बिहार की बात करें, 50 कैंडिडेट, राइट, जो 700 के ऊपर है, 1369 कैंडिडेट 650 के ऊपर, 3970 कैंडिडेट जो है वो 600 के ऊपर, और 500 के ऊपर 9560 कैंडिडेट है। कर्नाटका में 134, आउटसाइड इंडिया। अब देखिए एनआरआई कैटेगरी जो है, एनआरआई कैटेगरी के
चाहते हैं कि उनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, राइट, और ये देखते हैं कि भाई एनआरआई में कम मार्क्स पर हो जाता है, एग्जैक्टली हो जाता है, लेकिन आप देखिए जो आउटसाइड इंडिया सेंटर है ये सेंटर पे आपको मोस्टली एनआरआई कैंडिडेट्स मिलेंगे। 4,750 कैंडिडेट एनआरआई जिन्होंने की पार्टिसिपेट किया नीट 2024 के एग्जामिनेशन में, और उनमें से 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके की 700 के ऊपर मार्क्स है, 43 कैंडिडेट 650 के ऊपर, 127 कैंडिडेट 600 के ऊपर, 223 कैंडिडेट जो है वो 550 के ऊपर, और 500 के ऊपर 365 कैंडिडेट हैं आउटसाइड इंडिया सेंटर में। हालांकि आउटसाइड इंडिया सेंटर में जितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है जरूरी नहीं कि वो सभी एनआरआई हो, लेकिन नंबर ऑफ जो एनआरआई कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें प्रोपोर्शन उनका इस पर ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर टफ कंपटीशन मार्क्स वाइज होने वाला है एनआरआई कैटेगरी में भी। जो कैंडिडेट्स एनआरआई कैटेगरी के थ्रू एडमिशन देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो वहां पर उनको ये समझना होगा कि अगर मार्क्स बहुत कम है तो फिर उनको बाकी के ऑप्शन लेकर चलने पड़ेंगे, अदरवाइज इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि उनको अलॉटमेंट ना हो। आपको अगर काउंसिलिंग में मेडिकल विंग एक्सपर्ट टीम की गाइडेंस चाहिए, काउंसिलिंग गाइडेंस आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप जो कि अवेलेबल है, पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं, जिसमें आप अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं जो मेडकविंग की सर्विसेज है, राइट। फिलहाल तेलंगाना स्टेट में जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, आसाम की बात करें, आसाम में 19 कैंडिडेट 700 के ऊपर, और जम्मू कश्मीर में 12 कैंडिडेट, तेलंगाना में 49 कैंडिडेट, पुडुचेरी में 0, मध्य प्रदेश में 42 कैंडिडेट 700 के ऊपर, 649 कैंडिडेट 650 के ऊपर, 1978 कैंडिडेट 600 मार्क्स के ऊपर, और 3819 कैंडिडेट 550, 6107 कैंडिडेट 500 मार्क्स के ऊपर है। दादरा नगर हवेली 0 कैंडिडेट, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 कैंडिडेट 700 के ऊपर, 84 650 के ऊपर, 370 कैंडिडेट 600 मार्क्स के ऊपर, 839 550 के ऊपर, और 1427 कैंडिडेट जो है वो 500 मार्क्स के ऊपर है। दमन दीव गोवा छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें 14 कैंडिडेट 700 के ऊपर, कंप्लीट फिगर यहां पर दिया गया है, 700 की ये लाइन है, ये 650 के प्लस की, और ये जो है 600 के प्लस की, 550 और 500 के प्लस की ये लाइन है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, लद्दाख, सबसे कम की बात करें तो नागालैंड 00, राइट, और यहाँ पर एक कैंडिडेट जो है वो 600 के ऊपर, और 550 के ऊपर 12, और 500 के ऊपर 25 कैंडिडेट। टोटल अगर हम रिजल्ट की बात करें एनालिसिस, 23,33,162 कैंडिडेट में से 2,321 कैंडिडेट 750 के ऊपर है, 30,204 कैंडिडेट 650 के ऊपर, 81,550 कैंडिडेट 600 मार्क्स के ऊपर, और 550 के ऊपर 1,42,114, 500 के ऊपर अगर हम बात करें 2,10,161 कैंडिडेट्स इन सभी मार्क्स रेंज के ऊपर है। ये कंप्लीट एनालिसिस मेडिकविंग की टीम की ओर से तैयार की गई है आप सभी के रेफरेंस, ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग सके। जो मेरिट लिस्ट है डिफरेंट स्टेट्स की, वो भी मेडिकविंग की टीम बहुत ही मेहनत के साथ तैयार कर रही है, और बहुत ही जल्दी हम लोग आप सबके सामने स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट होगी उसको भी पब्लिश करेंगे, ताकि आप काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही पता कर सके कि आपकी पोजिशन आपके स्टेट में इस नंबर पर। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं ऐसे ही वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकविंग, थैंक्स अ लॉट।